नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जियो ने लॉन्च किया अपना एक नया कीपैड 4G फोन जो कि ग्रीन कलर के बॉक्स में आ रहा है। दोस्तों, आजकल आपको ये ऑफलाइन स्टोर पर हर जगह नजर आ जाएगा, लेकिन आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये जो फोन है नया है या फिर पुराने ही फोन को नया बना के मार्केट में बेचा जा रहा है। जैसे कि कुछ महीने पहले आपने देखा होगा, रिफर्बिश्ड फोन मार्केट में काफी ज्यादा आगे थे, हालांकि काफी सस्ते दाम में मिल रहे थे, 800 हजार 1200 रुपए की रेंज में मिल रहे थे। लेकिन ये जो फोन थे पुराने फोन थे, इनको रिपेयर करके नया बना करके लेमिनेशन करके मार्केट में उतारा गया था एक नकली डब्बे के अंदर। तो दोस्तों, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जियो का बार कोड भी लगा हुआ है और इसे रिटेलर ही एक्टिवेट करके देगा आपको, और 1 ईयर का प्लान इसमें जैसे पहले था वैसे इसमें भी दिया गया। वैसे दोस्तों, इंटरनेट का जो रिचार्ज है वो इस फोन में आपको डलाना ही पड़ेगा, तब आप पूर्ण रूप से इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं इस फोन में। हालांकि फोन में आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन भी मिल जाती हैं। यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहां पर रेगुलर लाता रहता हूं। मार्केट में कुछ ऐसे ही हरे हरे बॉक्स आपको नजर आएंगे दोस्तों, और यहाँ पर रंग बदला है, बाकी सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। ब्लू कलर से ग्रीन कलर का हो गया है बॉक्स, ऊपर जियो की बिंदी और मोबाइल का एनिमेटेड डिजाइन यहाँ पर बॉक्स पर आपको नजर आएगा। कुछ फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, बार कोड यहाँ पर दिया गया है जिसे रिटेलर एक्टिवेट करके आपको देगा, और यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है नॉट फॉर रिटेल सेल, यानी कि कस्टमर ही इसे परचेज कर सकता है। बैक साइड में बिल्कुल वैसे ही जियो के सारे फीचर्स को मेंशन किया गया है। जियो सर्विसेज में आप देखें तो आपको यहाँ पर 450 प्लस चैनल का सपोर्ट मिल जाता है जियो टीवी के अंदर, जियो सिनेमा में आपको 6000 प्लस मूवीज मिल जाती है, और यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मेंशन किए गए हैं, स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है, और 2000 एमएच की बैटरी यहाँ पर अलग से स्टिकर लगाया गया है। इसे ओपन करके देखते हैं अंदर कितने एमएच की है या फिर मिसप्रिंट हुआ होगा, और जियो फोन के फीचर्स को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वालकॉम का चिपसेट मिलता है और ओएस आपको इसमें KAIOS का मिलता है। चलिए दोस्तों, अब इस बॉक्स को फटाफट से ओपन करना शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें स्मार्टफोन रिफर्बिश तो नहीं मिलता है। सील देखिए जियो की ओर से लगी हुई है, तो यानी कि नया फोन मिलने वाला है पक्का। यहाँ पर देखिए जियो ने यहाँ पर अपनी सील लगाई हुई है, और इस सील को हम ब्रेक करके अब बॉक्स को ओपन करना। अरे वाह, ये बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर भी अंदर आपको हरा हरा नजर आएगा और ब्लैक कलर का फोन नजर आएगा। फिलहाल के लिए हम इस मोबाइल को निकाल के बाहर रख देते हैं, और यहाँ पर आपको एक बारकोड अंदर भी मिल जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसे हम क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअल बोल सकते हैं। काफी सारी डिटेल्स इस पर्चे में लिखे हुए मिलते हैं दोस्तों, वो सारी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है दोस्तों। फिलहाल इसे साइड कर लेते हैं, हम बॉक्स को और अंदर ओपन करके देखें तो यहाँ पर बैटरी रखी हुई है दोस्तों, ब्लैक कलर की बैटरी है ये, और इस बैटरी को देखते हैं ये कितने एमएच की है। बॉक्स पर 2000 एमएच मेंशन है, और एक्चुअल में भी 2000 एमएच की ही बैटरी आपको फोन के बॉक्स में मिलती है। इसके बाद आपको मिलेगा एक चार्जर अडेप्टर कुछ इस टाइप का, और ये जियो का ही है दोस्तों, और इसमें आपको आउटपुट रेटिंग मिलेगी 5 वोल्ट 700 मिली एम्पीयर की। बाकी दोस्तों यहाँ पर आगे से कुछ ऐसी केबल आपको मिलती है, माइक्रो यूएसबी। ये है हमारा 4G फोन, देखने से कहीं भी रिफर्बिश्ड फोन नहीं लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है फोन। और जो रिफर्बिश्ड फोन थे वो कुछ इस टाइप के आपको मिलते थे, जिन पर लेमिनेशन तक पहले से किया हुआ मिल रहा था दोस्तों। स्क्रेचेस छुपाने के लिए यहाँ पर पहले से लेमिनेशन किया था पूरी बॉडी पर, देख सकते हैं कुछ ऐसा, और इसकी जो बॉडी थी वो काफी कमजोर दी गई थी। पीछे का जो ढक्कन था वो यहाँ पर अलग टाइप का दिया गया था जो कि बहुत कमजोर आपको मिलता था, और कुछ ऐसा पोर्शन यहाँ बैक पैनल में मिलता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा कुछ नया नया लग रहा है। और इस पर एक लेमिनेशन जो कंपनी की ओर से किया जाता है वो भी किया हुआ आपको मिल जाता है। जियो की ब्रांडिंग यहाँ पर है, और कीपैड बिल्कुल वैसे ही दिए गए हैं जैसे पहले के फोन में आपको मिलते थे, क्योंकि दोस्तों सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती थी इनके कीपैड में, कीपैड वर्क नहीं करते इनके 2-3 महीने के बाद, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आई थिंक किया होगा जियो ने। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो बैक साइड का लुक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, रुपए का साइन यहाँ पर दिया गया है, एक इनकी एप्लीकेशन होती है उसका यूज तो कोई करता नहीं है। ऊपर स्पीकर दिए गए हैं, बगल में कैमरा, लाइफ की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है, और ये लाइफ कंपनी जो है यही बनाती है इन फोन्स को, तो देख सकते हैं कवर आपको मजबूत मिल जाता है, ठीक ठाक लग रहा है वैसे, मजबूती देखे तो ठीक ठाक प्लास्टिक का कवर आपको मिल जाता है। बाकी अंदर आपको बैटरी रखने के लिए स्लॉट दिया गया है, और ये 2000 एमएच की जो बैटरी है इसे हमने यहाँ पर इंसर्ट करना है। उससे पहले यहाँ पर अंदर देखे तो आप
आपको एक सिम कार्ड लगाने का स्लॉट दिया गया है। यहाँ पर हमने लगाना है सिम कार्ड। इस पर ओनली जियो सिम ही सपोर्ट करेगा दोस्तों। 4G फोन है ये और 128GB तक का मेमोरी कार्ड इस फोन पर आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बैटरी को कर लेते हैं यहाँ पर इंसर्ट और अब इसकी पावर जो है उसको ऑन करेंगे। ऊपर स्पीकर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मोबाइल को ऑन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो डिजिटल लाइफ लिखा हुआ आ रहा है। KIOS आपको इसमें मिलता है तो वो पावर्ड बाय यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप फटाफट से इसको फुली इंस्टॉल कर लेते हैं और डिस्प्ले देख सकते हैं यहाँ पर ठीक ठाक अच्छी आपको डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले साइज आपको बहुत सही मिल जाता है दोस्तों। ये जो फीचर्स फोन है आपको ऑफलाइन स्टोर पर लगभग 1500 से 2000 रुपए के अंदर मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि हर किसी रिटेलर का अपना अपना प्राइस होगा। इसमें ऑफर के हिसाब से आपको इसका प्राइस मिलेगा लगभग 2000 रुपए के अंदर, तो आपको ये मिल ही जाएगा क्योंकि इसमें आपको साल भर की कॉलिंग भी फ्री मिल रही है। कॉल तो आपको अनलिमिटेड मिल जाएगी लेकिन इंटरनेट जो है वो अनलिमिटेड नहीं मिलने वाला दोस्तों। एक सीमा होगी जिसके अंतर्गत आपको इसको यूज करना होगा, उसके बाद आपको खुद के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसी से तो इनका कमाई चलेगा। बाकी दोस्तों फुली इंस्टॉल हो गया है मोबाइल और यहाँ पर टाइम के फॉन्ट आप देख सकते हैं बड़े बड़े आ रहे हैं दोस्तों। और इसकी डिस्प्ले जो है वो आपको 2.4 इंच की मिलती है, QVGA TFT डिस्प्ले दी गई है। और करीब से देखें तो डिस्प्ले में ब्राइटनेस कलर्स ठीक ठाक आपको मिल जाते हैं। बीच वाली की जो है वो मेन्यू का काम करेगी जिससे आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आ जाएंगे। यहाँ पर जियो स्टोर दिया गया है, जियो TV दिया गया है, व्हाट्सअप आपको दिया गया है, फाइल मैनेजर, सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं वैसे। और आप चाहो तो जियो स्टोर से कई सारी अदर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हमें एक जो जियो सिनेमा चल रहा है आजकल वो एप्लीकेशन कहीं नजर नहीं आ रही है, तो आई थिंक इसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो है वो है इसका वाईफाई, इसमें आपको अवेलेबल मिलता है या नहीं मिलता है। अरे वाह, यहाँ पर वाईफाई की सुविधा आपको मिल रही है, तो वाईफाई आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन हॉटस्पॉट की सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है, तो जी हाँ, यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट नहीं दिया गया है दोस्तों। अगर आपको इसका इंटरनेट किसी अदर फोन पर देना हो तो वो आप यहाँ पर नहीं दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हॉटस्पॉट की सुविधा नज़र नहीं आ रही है कहीं भी, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो मोबाइल पर वाईफाई तो मिल जाता है, हॉटस्पॉट नहीं मिलता है। बाकी डिस्प्ले को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज करने हो सारा कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका कैमरा भी देख लेते हैं, कैसी कैमरा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जिसका जो कैमरा होता है ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉलिंग तक ही सीमित रहता है, कोई भी अच्छी पिक्चर्स इसके कैमरा से आपको नहीं मिलती है दोस्तों। तो नॉर्मल सा VGA कैमरा है जिसे 2 मेगापिक्सल का बोला गया है रियर वाला कैमरा। तो ये देखिए इसकी क्लैरिटी, कितना डार्क टाइप का इसका कैमरा आपको देखने को मिलता है। जूमिंग पावर तो बहुत ज्यादा मिल जाती है, ये देखिए यहाँ तक आप जूम कर सकते हैं। तो कैमरा नॉर्मल वीडियो कॉलिंग के लिए ही अच्छा है दोस्तों, वही पुराने जमाने के फोन वाली फोटो देखने को मिलेगी कुछ ऐसी। बाकी फ्रंट कैमरा भी देखते हैं इसका कैसा हमें फ्रंट कैमरा मिलता है, 0.3 मेगापिक्सल का है। तो देख सकते हैं नॉर्मल आदमी की शक्ल पहचानी जा रही है दोस्तों, इतना क्लैरिटी तो मिल जाता है वीडियो कॉलिंग के लिए। ये कैमरा भी बढ़िया है, जूमिंग सपोर्ट भी मिल जाता है बहुत ज्यादा आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा में देख सकते हैं। आपको KAIOS मिलता है जिसका वर्जन है 2.5, 1 GHz का डुअल कोर प्रोसेसर दिया गया है, चिपसेट क्वालकॉम का मिलेगा, 512 MB की रैम मिलती है दोस्तों इसमें आपको, और 4 GB का स्टोरेज दिया गया है। एक्सपेंडेबल मेमोरी 128 GB तक आप इस फोन में बढ़ा सकते हैं। बाकी 2000 mAh की बैटरी दी गई है, टॉक टाइम मिलेगा आपको 12 घंटे का, लगातार बात कर सकते हैं 12 घंटों तक। और स्टैंड बाय मोड में रखोगे तो 360 घंटे का आपको स्टैंड बाय मोड मिल जाता है। फ्रेंड्स ये जो जियो की ओर से आने वाला 4G फोन है इसको बिल्कुल भी नया ना समझे दोस्तों, क्योंकि पहले भी ये मार्केट में आ चुका है, बस यहाँ पर बॉक्स का कलर ही चेंज किया है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। और बीच में ये मार्केट से गायब हो गए थे, मतलब इनका रिटर्न हो गया दोस्तों, फिर से मार्केट में आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर बॉक्स में आपको डेट भी दिख जाएगी, 04/2022, 04/2019, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। तो लेटेस्ट फोन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बस पुराने स्टॉक को मार्केट में उतार दिया है, ऑफलाइन स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 1500 रुपए के आसपास अगर ये फोन आपको मिल रहा है तो परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर खर्च करने की इस पर कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने पहले जियो का कीपैड फोन लिया होगा, वो खराब हो गया, उसका सिम आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसका यूज इस फोन पर आप कर सकते हैं। बाकी एक रिचार्ज होता है जिसमें आपको साल भर तक की कॉलिंग फ्री मिल जाती है, उसका आप यूज कर सकते हो, कॉलिंग के लिए बढ़िया फोन है। और पेरेंट्स लोग भी इन फोन का यूज करते हैं, उन्हें यूट्यूब में समाचार देखने होते हैं, कई सारे मूवीज देख सकते हैं, तो
ठीक ठाक फोन है दोस्तों, अगर 1500 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है, क्योंकि ये एक 4G फोन है, इस पर जियो का सिम चलेगा और व्हाट्सएप का आनंद भी इस फोन पर आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया फोन परचेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।